हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक हॉरर मूवी की जिसका नाम है होस्ट। ये मूवी रिलीज हुई है इसी साल और बात करेंगे इस मूवी की। लेकिन उससे पहले मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, वही है कि क्या आप लोग आत्माओं पर विश्वास करते हो? क्या आपको लगता है कि वाकई में मरने के बाद लोगों की आत्माएं भटकती रहती है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग सुसाइड से मरते हैं या जिनका मर्डर हो जाता है, तो मेरे हिसाब से उन लोगों की आत्माएं हमारी दुनिया में भटकती रहती है। लेकिन कुछ आत्माएं अच्छी होती है, कुछ आत्माएं बुरी होती है। जैसे कि इंसान अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन अगर आपका सामना कुछ अच्छी आत्माओं से हो जाए तो आप लोग फिर भी बच सकते हो। लेकिन अगर किसी डेमोनिक आत्मा से आपका सामना हो जाए तो आपका बचना मुश्किल है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पे बनी एक ऐसी हॉरर मूवी जो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 की अब तक की सबसे स्कैरियस्ट मूवी थी। खैर, इस मूवी की कहानी शुरू होती है 6 दोस्तों से जो कि पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में है, लेकिन हफ्ते में एक बार ये लोग वीडियो कॉल के जरिए आपस में बातें करते हैं और साथ साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी करते हैं। लेकिन इस हफ्ते इन्हीं में से एक दोस्त जिसका नाम है हेली, वो डिसाइड करती है कि क्यों ना हम लोग इस हफ्ते एक ऐसा सेशन रखें जहां पर हम लोग गोस्ट यानी कि आत्माओं से कम्युनिकेट करें। और ये सब चीजों में हेली और उसके दोस्तों की मदद करने वाली थी हेली की एक पुरानी दोस्त, जिसके साथ हेली ने इससे पहले भी ये सारे सेशंस कर चुके थे। तो उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये लोग ये गोस्टली सेशन शुरू करते हैं, और उसके बाद उन लोगों के साथ क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर, बात करते हैं इस मूवी के कॉन्सेप्ट की। तो यार, मैंने इतनी हॉरर मूवीज देखा हो, लेकिन जिस तरीके से इस हॉरर मूवी को बनाया है ना, वो लिटरली आपकी गांड फाड़ के रख देगी। और प्लीज इस वर्ड पे हंसना नहीं, क्योंकि अगर आप हंसे तो ये मूवी देखने के बाद तो आपकी डबल गांड फटने वाली है। और इस मूवी का असली एक्सपीरियंस है इसको रात में अकेले देखना, और फिर उसके बाद आप फट से उठ के लाइट चालू करोगे, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कितने लोग तो भाई पैंड में कर देंगे, क्योंकि ये मूवी वन ऑफ दी बेस्ट कैरियर मूवी एवर मैं कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर इस मूवी को जिस तरह से शूट किया है ना, लिटरली आपको एक सेकंड के लिए आपको ये विश्वास ही नहीं होगा कि ये सारी स्क्रिप्टेड है हर एक चीजों को। यानी कि यहाँ पर जितने भी 6 लोग बताए, तो जो जो एक्टिविटीज हो रही है, जो जो चीजें हो रही है, मैं यहाँ पर स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, तो वो लिटरली उनके ही सेलफोन से लिया हुआ फुटेज है। तो हर एक चीज आपको रियल महसूस होती है, या तो फिर अगर उनके सेलफोन से नहीं भी लिया है लेकिन उसको इस तरह से पिक्चराइज किया कि आपको ये फील होता है। उसके अलावा इस मूवी में हर छोटी छोटी चीजों पर बहुत बारीकी से नजर रखी गई है ताकि आपको ये सारी चीजें रियल लगे, और यही इस पूरी मूवी का हाईलाइट भी है। उसके अलावा अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार सभी एक्टर्स ने अपने हिस्से का बहुत ही अच्छी तरह से किया, मतलब इतने बिलीवेबल वे में किया है कि अगर आप लोग भी उनकी जगह पे होते तो आपके भी एक्सप्रेशन बिल्कुल इसी तरह का होता। और जो जो चीजें बताइए ना यार, मैं यहाँ पर स्पॉइल तो नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो आप घर बैठे देख सकते हो। हालांकि ये मूवी इंग्लिश में है, लेकिन स्टार्टिंग कुछ डायलॉग आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद जो जो सिचुएशन क्रिएट करती है वो आपको जगह से हिलने नहीं देगी। और एक चीज जो मैं बोलना भूल गया वो ये है कि यहाँ पर आपको जंप स्केयर सीन बहुत देखने को मिलेंगे। लिटरली जो सेकेंड हाफ है, लास्ट का जो आधा घंटा है, वो तो फाड़ू है। तो मेरे हिसाब से ये 2020 की अब तक की सबसे स्कैरियस्ट मूवी है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो ये मूवी आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाइए और आधे घंटे के बाद आपको वो वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ज्यादा पैनिक मत होना और आज रात को इस मूवी को जरूर चेकआउट करना। अगर आप लोग इस मूवी को देखकर नहीं डरे तो इस वीडियो पे आके डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन ये मूवी आपको डराने में कामयाब होती है तो आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर करते नहीं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।